नमस्कार दर्शकों, मैं हूं चंदन सैनी और आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन में। हम आपको बता दें कि इस समय एक पूरे देश भर में महामारी छाई हुई है, जिसे नाम दिया गया है कोरोना वायरस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ध्यान मूर्ति जी महाराज, इनसे हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में और वृंदावन में कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय अभी तक किए गए हैं, क्योंकि ये महामारी एक ऐसी चीज है जिसके कारण जो काम कभी नहीं हुआ वो अब करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि मंदिर अभी तक कभी बंद नहीं किए गए थे, लेकिन इस बीमारी के चलते मंदिर भी बंद कर दिए गए हैं। तो आइए ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे महाराज जी से बात करते हैं इस बीमारी को लेकर। जी महाराज जी, सबसे पहले तो वॉइस फॉर नेशन में आपका स्वागत है। जी भैया, इस समय पूरे विश्व पर एक संकट छाया हुआ है। हमारे लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा मजाक में ले लिया है, जबकि ये विषय मजाक का नहीं है, ये विषय बहुत गंभीर विषय है। एक तरह से पूरे देश पे ग्रहण लगा हुआ है और इस ग्रहण से हम लोगों को अपने आप को निकालना है, हमें इससे जूझना है। दो तीन सरल उपाय हैं, वैसे तो आपको कोरोना से बचने के बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं, दो तीन उपाय मैं कहना चाहूँगी। जितना हो सनातनी परंपरा में जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब कोरोना से बचने के लिए काम आ रही हैं इस समय। और इस समय जितना संभव हो ब्रह्मचर्य से रहेंगे, भोजन को जितना सात्विक रख सकें उतना अच्छा है, और चैत्र नवरात्रि भी आ रहे हैं, व्रत करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ है, थोड़ा सा कपूर लीजिए, दो लौंग लीजिए, दो इलायची और जावित्री का फूल। मैं फिर से दोहराऊँ, थोड़ा सा कपूर लीजिए, दो लौंग लीजिए, दो इलायची लीजिए और जावित्री का फूल लीजिए। इसको जो मच्छरदानी वाले कपड़ा होता है उसमें बांध के एक तावीज़ टाइप बना लीजिए, छोटी सी पोटली जैसे बना लीजिए, और उसको अपनी जेब में या हाथ में कंटिन्यू रखिए। और जब भी आपको ऐसा खांसी जैसा महसूस होता है या किसी से आप मिल रहे हैं या हवा में प्रदूषण जैसा लग रहा है, उसको तुरंत आप सूंघिए। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आपके बैक्टीरियास आपके आसपास से एक क्षण के लिए उस समय हट जाएंगे। और मैं समझती हूँ इससे आपको बहुत बहुत कुछ बचाव मिल सकेगा। है आसान पर बहुत कारगर चीज़ इस समय ये साबित हो रहा है। अपने घर में जितना संभव हो धुनी लगाइए, कपूर और लौंग एक दीवले में जलाकर पूरे घर में क्लॉकवाइज घूमिए, इससे भी बहुत शांति आएगी। नवरात्रि में अगर हवन कर सकते हो तो हवन करिए, इससे बहुत शांति आएगी। आपके घर में ही नहीं, आपके घर के आसपास के वातावरण में भी शांति आएगी। जो लोग आपसे मिलेंगे उन लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसको कितना आप सपोर्ट करते हैं और आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनता कर्फ्यू का हम सब पालन करेंगे, और पूरे देश में इतना बड़ा भारत बंद शायद कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जो अभी देखने के लिए हमें मिल रहा है। और आप सभी जनता कर्फ्यू का पालन करिए, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो आपके कर्मचारी आपके नियरेस्ट काम करते हों या जो भी आपके सर्किल में लोग आते हों, अगर वो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं और आप किसी प्रकार से उनका वेतन रोक रहे हैं, तो कृपया उनका वेतन नहीं रोकेंगे, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार से इस महामारी के कारण भूखमरी जैसी स्थिति न पैदा हो। हमारा देश बहुत धनवान देश नहीं है, गरीब देश है। यहाँ बहुत सारे लोग रोज आय पर ही अपना घर पालते हैं, तो कृपया अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो इस स्थिति को समझेंगे और जनता कर्फ्यू के दौरान भी भोजन को तो कम से कम नहीं रोकेंगे, किसी के पेट की रोटी को नहीं रोकेंगे। देखने को मिल रहा है कि जहां आम प्रशासन इस बीमारी को लेकर बड़ा सख्त है, लेकिन वहीं हम अगर आम जनमानस की बात करें तो आम जनमानस अभी इस बीमारी को बड़े ही हल्के में ले रहा है। अब इस बारे में और आपसे थोड़ा सा जानते हैं कि आम जनमानस को इस बीमारी को किस प्रकार लेना चाहिए? नहीं भैया, इस बीमारी को बिल्कुल भी इस समय मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर इस समय आप मजाक में लेंगे तो आने वाले 10-15 दिनों में या महीने में आपको बहुत सारे आंसू बहाने पड़ेंगे।